आज हम आईआईटी जेम 2022 का क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक रीजन दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम फाइंड आउट करवा रहा है। तो आपको जो रीजन दिया हुआ है, वो रीजन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, और आपका जो जेड लाइज कर रहा है वो बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जीरो से ग्रेटर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन। ये आपके पास रीजन है, तो आपके वॉल्यूम फाइंड करना है इस रीजन का। तो जब कभी भी आपके पास वॉल्यूम फाइंड कराना है, तो आप वॉल्यूम दो वे से फाइंड कर सकते हैं। एक तो डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन में जिस जो रीजन का इंटीग्रेशन का रीजन दिया होगा, किस रीजन पे मुझे सॉल्व आउट करना है इंटीग्रेशन को, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जब आप वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, तो जो डबल इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या देता है मुझे, वॉल्यूम देता है। आर क्या है, मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से अभी आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया होगा आपको डी एक्स डी बाई डी जेड। जैसे मैंने बताया आपको कि एफ ऑफ एक्स वाई की जब पर्टिकुलर वैल्यू वन पुट कर देते हैं, तो ये जो मेरा डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई क्या देता है, इस रीजन का एरिया देता है मुझे, प्रोवाइड कराता है। इसी तरह जब मैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड थ्री डायमेंशन में जाएंगे, जब मैं थ्री डायमेंशन में जाऊंगा, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड की जब वैल्यू वन पुट कर देता हूं, तो इस इंटीग्रेशन को यानी कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को जिस रीजन पे मैं कैलकुलेट करता हूं, वो उसका क्या देता है, वॉल्यूम देता है मुझे। तो आप इन दो वे से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वॉल्यूम के लिए आप इन दो वे का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक रीजन ड्रॉ करता हूं, फिर चेक करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है आपको। तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, उसकी हेल्प से वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास रीजन क्या है। तो सबसे पहले रीजन देखते हैं। अब रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन है, तो एक्स वाई प्लेन में मेरे पास जो रीजन बनेगा वो यूनिट सर्कल बनेगा, जिसके इनर रीजन की बात कर रहा है वो ये वाला रीजन, ठीक है। बट इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सपोज कीजिए ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है मुझे। तो ये आपके पास इस टाइप का होगा कुछ। जब मैं y को जीरो पुट करूंगा तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास सपोज कीजिए ये प्लेन है, उसका फर्स्ट ऑक्टेंट सेकंड थर्ड फोर्थ है। तो जब आप z इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो वो इस टाइप का होगा आपके पास कुछ, पैराबोला टाइप का होगा, इस टाइप का कुछ, ठीक। इसी तरह आप जब z इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर पुट करेंगे, तो z इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर पुट करने की वजह से वो आपका इस रीजन में लाई करेगा, वो आपका ये रीजन होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर तो वो इस तरीके से आपका उठा हुआ होगा, पैराबोलाइड इस टाइप का होगा आपका पैराबोला z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो जब आप z की लिमिट, तो हमारे यहाँ जब डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो उसमें तो z की लिमिट मेरी जीरो से लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक ही रहेगी, बट जब मैं उसका प्रोजेक्शन लूंगा x बाई प्लेन में, तो वो आपके पास ये आएगा, ये वाला रीजन, शेडेड रीजन आएगा मेरे पास ये वाला, ये वाला रीजन आएगा। ये रीजन इसलिए भी नहीं आएगा, आप देख सकते हैं इस रीजन में मेरा पॉइंट लाई कर रहा है 0,1, और यह जब मैं यहां पुट करूंगा तो वो z क्या मुझे मिलेगा, z मुझे मिलेगा लेस देन माइनस वन। x की जगह 0, y की जगह माइनस वन पुट करूंगा, 1 तो 0,-1 मिलेगा, बट z तो मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो ये रीजन आप वैसे भी अगर आपके इमेज नहीं कर पा रहे हो इस सरफेस को, तो आप वैसे भी देख सकते हो कि जो मेरा प्रोजेक्शन होगा वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अब आप इसको डी जेड के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक्स और वाई प्लेन में सॉल्व आउट करेंगे। तो जेड के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करूंगा तो रीजन आर, रीजन मेरा ये है इंटीग्रेशन का आर, जो शेडेड है वो रीजन आर है मेरे पास, तो वो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, ये मिलेगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करना है। आर की लिमिट 0 to 1 रहेगी, क्योंकि आप कोई भी रेडियल वेक्टर लेंगे तो वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 to 1। तो आर की लिमिट मेरे पास यहां जब इसको कन्वर्ट करूंगा पोलर फॉर्म में, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की जगह माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स डी वाई किस में कन्वर्ट होता है, डी एक्स इंटू डी वाई कन्वर्ट होगा मेरे पास आर डी आर डी थीटा में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आर डी आर डी थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आउट लूंगा तो आर क्यूब थीटा, आर की लिमिट 0 से लेके 1, थीटा की लिमिट ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन है और ये वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन है, तो थीटा की लिमिट होगी मेरे पास माइनस पाई बाई 4 to π/4, क्योंकि ये सिमेट्री है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट कर लूंगा, वही इंटीग्रेशन इसका सेम वैल्यू देगा, तो यानी कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के बाद मैं इसका 2 times कर दूंगा, तो यानी कि मैं माइनस पाई बाई 4 to π/4 जो इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा वही इंटीग्रेशन मेरा 3π/4 यहां पे आएगा, तो यानी कि उसको 2 times कर दूंगा तो वो इसके इक्वल आएगा, तो यानी कि ये पूरा रीजन मुझे मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो 2 minus π/4 to π/4, आर की लिमिट 0 से 1, आर स्क्वायर मेरा ऑलरेडी एक आर बाहर है, तो आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू डी आर डी थीटा। तो इनर इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, वेरिएबल आर है, तो सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व आउट करूंगा तो ये मिलेगा मुझे आर की पावर 4/4, तो 2 into थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेके π/4, आर की पावर 4/4 0 to 1 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। जब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करूंगा तो वो क्या होगा आपके पास, 2 into अपर लिमिट 1/4, लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 और माइनस पाई बाई 4 to π/4 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में 2 एंगल के साथ, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 into 1/4 into 1/2 साइन 2 थीटा माइनस पाई बाई 4 to π/4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/4 इंटू साइन 2 into π/4 माइनस साइन 2 into -π/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/4 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, तो ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास विजुलाइज होना चाहिए कि आप सरफेस को कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। अगर आपने सरफेस और उसका प्रोजेक्शन विजुलाइज कर लिया तो आप इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे 3 dimension में सरफेस को देखना था और फिर मुझे एक्स वाई प्लेन में उसका रीजन देखना था कि वो प्रोजेक्शन क्या बनेगा। ठीक है, थैंक यू।